इससे भी बड़ी मेरी दुश्मन है। अच्छा खासा नीचे मरने के लिए आ रहा था लेकिन रोक दिया तुझे मेरी कसम। चुप चुप रहो जी, एक तो मेरा बेटा वैसे ही परेशान है, मुझे तो ये नकली अखबार छपाने की चाल तुम्हारी ही लगती है। तुम ही चाहते हो कि मेरा बेटा कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। ठीक है चली जाऊंगी, अपने बेटे को लेकर मैं के चली जाऊंगी। अरे 20 साल से कहती है मैं के चली जाऊंगी मगर जाती नहीं है, झूठी। कभी तो अपनी बात पर कायम रहा कर मुंशी जी। हाँ रहूंगी, चल बेटा। अरे चली जाएगी तो दो लोगों की दो वक्त की रोटी बच जाए। मालको नहीं है बेटे जाओ। मालको आपसे छोटा सा काम था जी, मेरा भतीजा हरियाणा से आया है, उसका एडमिशन करवाना है। अगर आप प्रिंसिपल से बात करते तो काम हो जाएगा जी। मुंशी जी बुढ़ापे में आपकी अकल सट के आ गई है। अरे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया तो क्या फर्क पड़ गया उसको, इसे अच्छा किसी दुकान धंधे में लगा दीजिए, दो वक्त की रोटी कमाएगा और बिगड़ेगा भी नहीं। नहीं 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 मालको, मेरा भतीजा तो बड़ा सीधा सच्चा शरीफ बच्चा है और फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करता और पढ़ने में भी बड़ा तेज है जी। देखो जी मेरा फर्ज तो समझाना मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, हाँ प्रिंसिपल को बोल दूंगा। क्या नाम है उसका? सुनील चौधरी। कहाँ का चौधरी? सुनील चौधरी मालको, बड़ा सीधा सच्चा बच्चा है जी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह के बच्चे, तुझे मालूम नहीं यहां बिना इजाजत आने वाले चलकर आ तो जाते हैं लेकिन जाने के लिए उनको अपने पांव नहीं इसका सहारा लेना पड़ता है। कंजरा खोतिया बांद्रिया की करता, उठ वे उठ। ताऊ जी आप बेन वक्त पे उठाते हैं, आज तो मैं मुख्तार सिंह को मार ही देता। मारपीट के अलावा भी कुछ सोचता है तेरे को? सपने में भी मारपीट करता है। देख 3 दिन में 3 रजाइयां फाड़ चुका है, 3 रजाइयां। ये मारपीट का पूत कब तेरा पीछा छोड़ेगा रे? ताऊ मैं का किसी से लड़ता हूं? वो क्या है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, लोग ही आके मुझसे लड़ते हैं। अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे? और फिर आपकी इज्जत का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। मेरी इज्जत? तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है? प्रोफेसर को मारता है, प्रोफेसर को मारता है। तूने प्रोफेसर को क्यों मारा? उसने तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। आप ये जानते हैं कि मैंने प्रोफेसर को मारा मगर ये नहीं जानते कि मैंने प्रोफेसर को क्यों मारा। पूछो क्यों मारा, पूछो 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 क्यों मारा। हाँ अब सुनिए, इम्तिहान चल रहे थे, सारा हॉल नकल कर रहा था, सारे स्टूडेंट्स। अब ये गलत बात है ना ताऊ? अब जब स्टूडेंट्स नकल करेंगे तो उन्हें ज्यादा नंबर मिलेगा और मुझ जैसे सीधे साधे होनहार स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले को कम नंबर। बस यही बात तो मैं प्रोफेसर को समझा रहा था, समझने के बजाय वो उल्टा मुझ पर चढ़ बैठा तो मैंने मारा उसे। मैंने ठीक किया ना ताऊ? हाँ नहीं नहीं, तू मुझे अपनी बातों में नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि तेरे माँ बाप ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा कोई कॉलेज बचा नहीं जहाँ पे तू मारपीट की वजह से निकाला नहीं गया हो। ये बम्बई है पुत्रा बम्बई, यहाँ एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे मालका ने दिलवाया, मेरे मालका ने। आज से तू मारपीट कभी नहीं करेगा, कसम खा। ठीक है नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तू आज से मारपीट कभी नहीं करेगा, मैं जान की कसम खा। क्या कह रहे हो ताऊ, मेरी जुबान पे भरोसा नहीं? जबान पे है पर तेरे हाथ पांव पर भरोसा नहीं है, तू खा कसम। ठीक है आपकी कसम। शाबाश मेरा बच्चा। मगर ताऊ कोई खुद आके मुझसे झगड़ा करे तो? उसका इलाज है मेरे पास।
अब तेरे नाल कोई झगड़ा नहीं करेगा मुंडिया। एक मिनट, ताऊ मैं लल्लू लग रहा हूँ। मेरे लल्लू को किसी दिन नजर ना लगे रे। नजर उठेगी नहीं तो लगेगी कहाँ से? ओ साइकिल जैसी चीज है ना। अरे बाप, उसे ले जा। नहीं ताऊ, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पैदल ही चला जाऊंगा। उसे ले जा, वो साइकिल तेरे लल्लूपन पर चार चांद लगा देगी। कॉलेज जा। आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर आपकी साइकिल की डिक्की में जैक हो तो बढ़िया। एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे टायर चेंज करने के लिए जैक चाहिए। जैक? जैक क्या चीज है जान, गाड़ी ले लो ईमान से। यू? अरे गुस्सा। रास्कल। आइए टायर बदल लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, थक जाओगी आराम से। आप नहीं, उसे फेल होने की मुबारकबाद। हाय विकास, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। मुबारक हो, फाइनल में तुम्हारा थर्ड ईयर शुरू हो ही गया। थैंक्स यार, थैंक्स यार। अपनी तो आदत है, पढ़ाई करो तो पक्की है। एक साल में अगर हर क्लास पास कर लिया तो क्या फायदा, या तो कुछ रहता है नहीं। अरे हाँ। हर क्लास में कम से कम दो चार साल जम कर पढ़ाई करो। बचपन से इच्छा थी कि मैं आपकी क्लास में पढूं, वो इच्छा इस साल पूरी हो गई। सीनियर बनने की इच्छा तुम्हारी अगले साल पूरी हो जाएगी। मैं तुमसे बड़ा हूं ना, एक तुम्हें सबक देता हूं, गौर से सुनो। कर रम पम पम सुनो मेरे हम दम, कभी ऐसे मार्क्स लाया करो, कभी जीरो कभी वन, कभी उससे भी कम, कभी फेल होके आया करो। डिंग डिंग डिंग। नहीं यार विकी। गुरु मुर्गा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा पढ़ाकू लग रहा है। बड़ा क्यूट लग रहा है। जो ये दिख रहा है ना, वैसा ये है नहीं। अब इस साले की खबर लेता हूँ। ए, इधर आ। एडमिशन। नाम क्या तेरा? सुनील। सीनियर के सामने बटन खुले लगता है, चल बंद कर। चल चल जल्दी बंद कर। कहां का रहने वाला है? वहां कहां के? हरियाणा। ओ हरियाणी जाट हुए हैं। भाई तुम्हारी ये साइकिल हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी साइकिल है, लेकिन इसके अंदर की हवा हमें पसंद नहीं। अरे गुस्सा आ गया, मारेगा हमार, मार मुन्ना मार, नहीं मार।
तुझे मेरी कसम, मार मार मार। अरे मेरे को मार रहा है, बचाओ मेरे को मार रहा है। सिगरेट पीते हो? नहीं। ये लो पियो। मैं नहीं पीता। बोला ना सिगरेट पी। सीनियर के सामने सिगरेट पीता है? वो देख, वो लड़की जा रही है लाल टी शर्ट में, जा जाके उसका फिगर पूछ के। हेलो, अब क्या होगा भैया? अबे हम हर नए लड़के की पिटाई ममता से इसी तरह करवाते हैं, अब देखो। एक्सक्यूज मी मैम प्लीज। ओ तुम, मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई। इट्स ओके। वेल, मेरा नाम ममता है। हेलो, आई एम सुनील। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, वो आप मुझे गलत मत समझेगा प्लीज। बोलो ना, ये मैं वो क्या कर रहे हो? दरअसल वो मुझे आपका बुरा मत मानिएगा, वो उन लोगों ने बोला, मैं आपका फिगर जानना चाहता हूँ। ओ समझ गई। भाई साहब, एक कप चाय देंगे? अरे भाई एक कप काहे देंगे, आज तो बड़ी खुशी की बात है, 10 कप देंगे। अरे अरे रामू, अरे भाई साहब के लिए जल्दी चाय लाओ, अरे चलो जल्दी। इलू इलू तेलू तेलू, ये तेलू तेलू क्या है? ये तेलू तेलू। तेलू का मतलब वो उल्लू। हाँ, वो उल्लू। तेलू का मतलब वो उल्लू। हाँ, वो उल्लू। जब लड़ने से कोई डरता है, चलो चाय पीने को दिल करता है। रे बाबा, चाय पीने को दिल करता है। चाय पी को दिल मरता है। चाय पीने को दिल करता है। चुपचाप तू क्यों बैठी है, ये फैसले की घड़ी है, ये चाय यहाँ क्यों पड़ी है? है। अरे हाय। हेलो, ये लो। ये लोग तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रहे हैं, तुम इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। मगर वो तुम्हें इतनी देर से। बकने दो ने, हाथी जब गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कभी हाथी को कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए देखा है? और फिर ताकत का गलत इस्तेमाल करना मेरे असूल के खिलाफ है। एक्चुअली मैं इन लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ, क्योंकि अगर आज ही मुझे परेशान न करते तो शायद तुम मेरे पास बैठी नहीं होती।